मैं सारे मीडिया वालों का इंतहाई मशहूर हूँ कि इतने शॉर्ट टाइम पर आपने मौका दिया आप हमारे पास आए। तो ये हम अपना दर्द, जो हमारे सीने में एक दर्द है, वो आपके सामने रखेंगे और आपके ज़रिए से ये पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मैसेज जाना चाहिए। आज आपको ज़हमत इसलिए दी है कि हमारा जो कोयला कोल मेंदनूर जो है ना, जो कोयला निकलता है बलूचिस्तान से, पंजाब से, जिधर जिधर से भी, इंतहाई रेट बहुत ज़्यादा कर दिया है कि इस टाइम जितने हमारे फैक्ट्रियाँ हैं वो सारे बंद हो रही है और जितने बटे हैं वो बंद हो रही है। और बल्कि एक और नुकसान है, अब जो है ना लोगों ने ईंट लगाना छोड़ दिया, बल्कि सीमेंट का ईंट बना करके उसे अपने घर तामीर कर रहे हैं। और ये जो सीज़न अभी आ रहा है तो इस टाइम अक्सर फैक्ट्रियाँ, हमारा तलक फैक्ट्रियों के साथ, या हम उनको कोयला सप्लाई करते हैं, उनको कोयला देते हैं, तो इसलिए कि वो बेचारों को कुछ बचत नहीं है। अगर उनको कोई बचत ना हो तो वो हमें पैसे किस तरह देंगे। ये बल्कि उन लोगों ने एक मुतबादिल एक गैस तैयार किया है कि हम अब जो है ना अपने फैक्ट्रियाँ गैस के ऊपर चलाएंगे, और वो एक टेक्निकल तरीके से एक सिस्टम बना रहे हैं ताकि हम कोयले से हमारी जान छूट जाए। और दूसरी जितने भी हैं, और कोई लकड़ी के तरफ, कोई किस चीज़ के तरफ, अब कोयले से लोग बागी हो रहा है। मैं अपील करता हूँ जितने मेनुलर है कोयले वाले, तो कभी 1200 रुपये, कभी 2000 रुपये, कभी जो है ना हर हफ्ते इतना रेट बढ़ा दिया है कि अब अफगानी कोयला वो तो छोड़ो, हमारे लोकल कोयला 25000 रुपये वहाँ कोयटे में, और जो है ना दुकी में, ख़ास करके दुकी में जो एक बहुत बड़ी मंडी है कोयले का, इंतहाई रेट बढ़ा दिए हैं। और अब कोल एसोसिएशन जो एक बनी हुई है, उनमें से अक्सर ये जिम्मेदारी तो उनकी थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लेकिन उसमें से इस तरह की उनमें से मेनुलर है और कोयले जो है ना उनके अपना कोयला आगे सप्लाई भी करते हैं, अपने उनके मेन भी है, तो इसलिए रेट बढ़ा रहे। तो ये मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और जितने भी ये इनके ऊपर वो कंट्रोल रखते हैं कि ये रेट जो है ना इनको कंट्रोल करे और रेट कम करे, क्योंकि बटे वालों के लिए इस टाइम कोई बचत नहीं है, और जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं उनके ऊपर उनको भी कोई बचत नहीं है और इंतहाई परेशान है। और ये ना हो कि हमारे सारे इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ जो है ना वो गैस के तरफ जाएं और लोग जो है ना सीमेंट के एंड की तरफ चले जाएं, तो सारा मामला ख़राब ना हो। तो ये गुजारिश है, आप लोगों ने हमारी आवाज़ यानी आपने पहुँचानी है। और ये जो है ना बेरोज़गारी इसमें ज़रूर आएगी, जब तामीर नहीं होगी, सीमेंट सरिया ये सारे चीज़ें कारोबार के ऊपर असर पड़ेगी, लोग बेरोज़गार होंगे। तो मैं मेनूनर से ये अपील करता हूँ कि पिलपोर जो आपने रेट बढ़ा दिए हैं उसमें नज़रसानी करें, पिलपोर रेट जो है ना वो कम करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है पूरे पाकिस्तान के लिए।